स्ट्रॉ को पढ़ने यानी कि स्ट्रॉ पर जो चीजें लिखी हुई हैं उनकी जानकारी के संबंध में बात करेंगे। ये जानना बहुत आवश्यक है आपके लिए भी कि कौन से पशु का या कौन से बुल का स्ट्रॉ का सीमन आपको दिया जा रहा है और कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता द्वारा इसका क्या उपयोग किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको पैकेजिंग के बारे में बताता हूँ। एबीएस सेक्स सीमन हमेशा ऐसे गॉबलेट में पैक किया जाता है जिसमें एक गॉबलेट में केवल 10 स्ट्रॉ होते हैं। इन 10 स्ट्रॉ के साथ साथ उसमें एक आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिप यानी कि प्लास्टिक की एक और स्ट्रिप होती है जिसपे बुल का नाम तथा उसका बैच नंबर लिखा होता है। इस आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिप की लंबाई क्रमशः स्ट्रॉ से ज्यादा होती है, इसलिए जब भी आप स्ट्रॉ को पहचान करना चाहते हैं तो आप स्ट्रॉ को ना निकालकर स्ट्रिप के द्वारा उसकी पहचान करें। इससे क्या होगा कि स्ट्रॉ को कम से कम नुकसान होगा थॉइंग की वजह से। अब इसके बाद स्ट्रॉ पर क्या क्या जानकारी लिखी हुई है। स्ट्रॉ पर एक तो बुल का नाम लिखा होता है, उसके अलावा उसका इनाफ कोड लिखा होता है। इनाफ कोड एक 12 डिजिट का कोड है जो पूरे हिंदुस्तान में एक ही कोड है, यानी कि ये मानिए कि ये उस बुल का आधार कार्ड है और उसमें उसकी बुल की संबंधित सारी जानकारी होती है। इसके अलावा उस पर बैच नंबर भी लिखा होता है यानी कि वो स्ट्रॉ साल के कौन से दिन और किस साल में निर्मित हुआ है। ये सारी जानकारी आपके पास होना बहुत आवश्यक है, इसीलिए एबीएस सेक्स सीमन की जानकारी अधिक से अधिक और न्यायोचित तरीके से करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि कृत्रिम गर्भाधान के उपरांत आप खाली स्ट्रॉ को हमेशा अपने पास रखें। इससे बाद में ये जानना बहुत आसान होगा कि किस बुल की संतति आपकी गाय के द्वारा पैदा की गई है। धन्यवाद।